नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्लॉथ। कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या 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 कि कैसे गंदे पानी को साफ करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें तो थोड़ा गंदा पानी चाहिए। अभी तो 2 दिन के पहले हमारे एरिया में बारिश हुआ था, तो यहाँ सड़कों के साइड्स में पानी जमा हुआ है। मैंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए सड़क से ऐसे थोड़ा गंदा पानी ले लिया। फिर हमें ऐसे आलम चाहिए, इसे तो हिंदी में फिटकरी बोलते हैं। ये तो हमारे घर में ही होता है। बहुत सारे घरों के बाहर पूरी नजर ना लगने के लिए ये जो होता है ना, इसमें भी आलम होता है। अब ऐसे थोड़ा सा आलम को लेके उसे अच्छे से तोड़ के पाउडर के जैसे बना दो। अब ऐसे 2 कंटेनर ले लेंगे। अब इन दोनों कंटेनर को ऐसे गंदे पानी से भर देंगे। अब इनमें 1 कंटेनर में जो एलम का पाउडर हमने बनाया है उसे डाल देंगे। अब इसे अच्छे से 5 मिनट तक मिक्स करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। हम देख सकते हैं पानी तो थोड़ा क्लियर हो गया और इस पानी में जो भी गंदगी था वो सब नीचे जा चुका है। अब इसके ऊपर जो थोड़ा सा गंदा है उसे ऐसे बाहर निकाल देंगे। अब इस कंटेनर के नीचे जो गंदगी है सिर्फ उसे छोड़ के ऊपर जो साफ पानी है उसे ऐसे दूसरे कंटेनर में डाल देंगे। इसे तो डीकंटेशन कहते हैं। अब ये पानी पहले से थोड़ा साफ है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा गंदगी है। अब इसे निकालने के लिए हम इस पानी को फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के लिए हम इस क्लॉथ को उपयोग करेंगे। इस क्लॉथ के जगह पर अगर हमारे पास फिल्टर पेपर है तो हम उसे उपयोग कर सकते हैं। फिल्टर पेपर तो क्लॉथ से भी बहुत ही अच्छा पानी को फिल्टर करता है। ये फिल्टर पेपर के साथ पानी को फिल्टर करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। पानी तो थोड़ा धीरे से फिल्टर होता है। अब इन दोनों पानी में जो लेफ्ट में है उसे तो हमने फिल्टर पेपर के साथ फिल्टर किया है और जो राइट में है उसे तो हमने क्लॉथ के साथ फिल्टर किया है। अगर हम इसे अच्छे से देखेंगे तो लेफ्ट वाले कंटेनर का पानी तो राइट वाले कंटेनर के पानी से भी थोड़ा सा अच्छा है। ये क्लियर पानी हमें फिल्टर करने के बाद मिला है। ये पानी तो डीकंटेशन के बाद मिला है और ये तो सड़क का पानी है। हम इन तीनों पानी में डिफरेंस को अच्छे से देख सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है अगर हम उसे देखेंगे तो इसमें तो बेसिकली 2 प्रोसेस होता है। एक तो कोएगुलेशन, दूसरा फ्लॉक्युलेशन।
पानी में जो छोटा छोटा पार्टिकल्स तैर रहा है उन्हें एक साथ अट्रैक्ट करने के लिए इसके अंदर हम केमिकल डालते हैं। इस प्रोसेस को कोएगुलेशन कहते हैं और जो केमिकल हम इसके अंदर डालते हैं उसे तो कोएगुलेंट कहते हैं। अब जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था इसमें कोएगुलेंट एलम है और फ्लॉक्युलेशन, इस पानी के अंदर जो पार्टिकल्स है वो सब अच्छे से अट्रैक्ट होकर उनका मास बढ़ के सब नीचे जाकर सेटल होने के लिए हम इस पानी को अच्छे से मिक्स करते हैं। इस प्रोसेस को फ्लॉक्युलेशन कहते हैं। मोस्टली कोएगुलेशन और फ्लॉक्युलेशन को एक साथ करते हैं। ये कोएगुलेशन, फ्लॉक्युलेशन और फिल्ट्रेशन इन्हें तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में उपयोग करते हैं। वहाँ जो भी पानी साफ करने के लिए आता है उन्हें साफ करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है उनमें ये भी एक प्रोसेस होता है। जो पानी अब हमने साफ करके तैयार किया था इसे तो अभी भी हम पी नहीं सकते हैं क्योंकि इस पानी में तो बहुत सारा बैक्टीरिया और वायरस होता है। अगर हमें इस पानी को पीना है तो इनको पहले मारना होगा, लेकिन उसे कैसे करते हैं उसे तो दूसरे वीडियो पर हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, अगले वीडियो पर देखते हैं। आज के वीडियो के बारे में तो आप क्या सोचते हैं उसे तो जाकर कमेंट्स में बताइए। बाय।